नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सतना जिले से घिनौची धाम दर्शन के लिए जा रहे बाइक सवार बैकुंठपुर के समीप सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से संजय गांधी अस्पताल लाया गया है, जिसमें से एक की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के साथी ने बताया कि वह चार लोग दो मोटरसाइकिल में सवार होकर सतना से घिनौची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। बैकुंठपुर के समीप सामने से जा रही एक मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक मार दिया, जिसके कारण दोनों मोटरसाइकिल सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। घायल युवक मानस मिश्रा ने बताया कि सभी दोस्तों ने मिलकर घिनौची धाम घूमने की योजना बनाई। आज सुबह मानस मिश्रा सहित अभिषेक शर्मा, दीपांकर साकेत, यशवंत गौर सतना से बाइक में सवार होकर घिनौची धाम के लिए निकले थे। तकरीबन 11 बजे बैकुंठपुर के समीप तेज रफ्तार बाइक में अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे दोनों मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में अभिषेक शर्मा नामक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि दीपांकर साकेत एवं यशवंत गौर की भी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल दोनों घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में जारी है। कितने बजे घटना हुई? कितनी बड़ी है? अभी आधे घंटा हो गया। क्या नाम है आपका? मानस मिश्रा। या तो कहाँ जा रहे, कहाँ दुर्घटना? घिनौची धाम। घिनौची धाम जा रहे थे घूमने के लिए। कितने लोग थे? चार लोग। मैं और एक दोस्त था, अभिषेक सिंह, यशवंत मौर्य और दीपांकर साकेत। चार लोग बस। कैसे दुर्घटना हो गई? टर्निंग मोड पे आगे वाला रोक दिया गाड़ी चलते चलते, तो पीछे हम लोग थे तो ठोक गए। गंभीर है कोई? क्या नाम उनका? अभिषेक सिंह। मतलब वो तेज रफ्तार थी क्या आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग की गाड़ी 70-80 पे थी। मतलब जैसे सामने वो जा रहा था, वो अचानक ब्रेक अप्लाई कर दिया दोनों, तो हम लोग रोक, मतलब कि हम लोग भी रोकना चाहे तो रोकते रोकते ठोक दिए गाड़ी। ये आप लोग तो वहाँ जाते समय दुर्घटना? हाँ, जाते समय हो गया। घूमने के लिए जा रहे? हाँ। सब सतना के? सब सतना के।